अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर फॉर क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स एंड चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हमारा टॉपिक है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को पढ़ना, इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स को पढ़ना और दैन इन दी एंड इसकी मैग्नीफाइंग पावर को ड्राइव करना हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसमें हमने यह मेंशन कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, क्या होता क्या है ये मैग्नीफाइंग ग्लास बता रहे हैं। इसमें देखें कि इट इज़ अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस विच इज़ यूज टू इनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ। मैग्नीफाइंग ग्लास एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि वो एक ऑब्जेक्ट है ना, उसकी इमेज को इनलार्ज कर दे, यानी साइज़ में बड़ा कर दे। ठीक है, इनलार्ज यानी साइज़ में बड़ा कर दे। जब, लेकिन वो ऐसा कब करेगा? जब हम उस ऑब्जेक्ट को उसकी फोकल लेंथ के विद इन रखेंगे। ठीक है, अभी बहुत सी बातें इसमें नहीं समझ आएंगी, मैं आगे जाके बताता हूँ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और उसमें फोकल लेंथ क्या होती है, आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये समझें कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस को, जिसका काम क्या होता है, इमेज को इनलार्ज कर, ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर देना। देखें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फिजिक्स, ये जो है ये एक जो नॉर्मल फॉन्ट है उसमें लिखा हुआ। अब अगर हम यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम यहाँ से यूँ पकड़ेंगे, ठीक है, और मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ के हम इस तरह से इसकी पोजीशन को अप एंड डाउन या चेंज करके हम इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो हमने एक साइज़ हमने एक पोजीशन फिक्स कर दी और हमने इसके ऊपर ला के इस मैग्नीफाइंग ग्लास को रख दिया। तो जो बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली कंडीशन में क्या है कि अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो इस तरह इनलार्ज दिखाई देगा। फिजिक्स इस तरह इनलार्ज हुआ हुआ दिखाई देगा। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है और ये जो हमने इस्तेमाल किया है ये एक लेंस है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसको लेंस कहते हैं। और ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, नीचे ही हम देखते हैं आगे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम यूँ समझते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, एक स्फेरिकल पीस ऑफ, पहले मैंने इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, इन शॉर्ट एक छोटी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आप जो चाहें इसको याद कर सकते हैं। अ स्फेरिकल पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, जिसमें से लाइट ट्रांसमिट कर सकती है, रिफ्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, अ स्फेरिकल पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल डेट कैन फोकस अ ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जैसे कांच होता है ना, ठीक है, उसमें से जो शीशा होता है, मिरर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात ट्रांसपेरेंट की हो रही है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जहाँ, जिसमें आप एक साइड से दूसरी साइड का देख सकते हो। ठीक है, यानी मिसाल आपकी घर की जो विंडो होती है जिसमें आप कमरे के अंदर से बाहर का देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट हमारा ग्लास होता है। ठीक है, तो उसी तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, उसमें से लाइट ट्रांसमिट कर जाए, ठीक है, उस मटेरियल का लेंस होता है, लेकिन ये स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, अब किस तरह का स्फेयर होता है इसमें बता रहे हैं, इट इज़ थिकर इन द मिडिल, ये मिडिल से थिक होता है और थिनर एट द एजेस, और एजेस अपने किनारों से ये थिन होता है। ठीक है, इसकी शेप में आपको आगे दिखाता हूँ। अभी पहले याद रखें क्या कि ये इट इज़ थिकर यानी चौड़ा होता है, मोटा होता है अपने मिडिल में, और थिनर यानी पतला होता है अपने एजेस पे। ठीक है, ये यहाँ देख सकते हैं, आगे मैंने इसकी इमेज बनाई है, ये रहा ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कर्व होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, और जो एक नॉर्मल जो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं ना, जिसको वैसे सिंगल ही कहते हैं, लेकिन ये दोनों साइड से कर्व होता है। ठीक है, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जिसका जो मिडिल है ना, ये थिकर होता है, ये देखें थिकर है यानी चौड़ा है, और इसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो पतले हैं, वो थिन है। ये कह लें इसका जो आउटर सरफेस है वो बाहर की जानिब होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है कि इसमें एक तरफ से लाइट की रे एंटर होती है, दूसरी तरफ से वो एग्जिट हो जाती है यानी ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे इसमें बताया है डेट इट कन्वर्जेस लाइट रेस टूवर्ड्स इट्स ऑप्टिकल एक्सिस। इसका पर्पस होता है कि ये लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज का मतलब है
कि जैसे कि अगर एक लाइट रे इसमें पैरेलल आके एंटर होती है, तो जब वो दूसरी साइड से ट्रांसमिट होगी तो वो कन्वर्ज हो जाएगी, किसी एंगल पे झुक जाएगी, और वो कहाँ से गुजरेगी, एक ऐसा पॉइंट जिसको फोकल पॉइंट कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, वहाँ से गुज़रती है। और वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है उस लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर, वो लाई करता है उस लेंस के ऑप्टिकल, ये लाइन जो है ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है। तो जो भी लाइट रे एंटर होती है वो कन्वर्ज कर जाती है, यहाँ से एंटर होगी वो भी यूँ कन्वर्ज कर जाएगी। हाँ, जो सेंटर से आती है वो सेंटर के साथ ही चली जाती है, लेकिन यहाँ से जो लाइट रे आएगी वो अपवर्ड कन्वर्ज कर जाएगी। इस तरह से को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई अब दोबारा देख लें कि एक स्फेरिकल पीस है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, जिसको डेट कैन फोकस अ ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इट इज़ थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, इट कन्वर्जेस लाइट रेज टुवर्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब इसका इन शॉर्ट डेफिनेशन देखना चाहें तो ये हो सकती है कि एक कन्वर्जिंग लेंस हो, थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। बहुत आसान सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसकी एक कन्वर्जिंग लेंस जो सेंटर से थिक है और एजेस से थिनर है, उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, ये जो आप प्रैक्टिकली या घरों में जो यूज़ करते हैं वो इसी तरह की शेप में होता है, ये हैंडल लगा हुआ होता है बस, ताकि इसको हम ये पकड़ सकें, और इसी को मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। और इसको ही हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्यों? क्योंकि छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखा रहा है, और क्योंकि सिंपल का मतलब ये कि इसमें एक ही लेंस इस्तेमाल हुआ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पर अब हम आगे कुछ इसके टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसकी मैग्नीफाइंग लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं कि ये होती क्या है। तो देखो, लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि मिसाल के तौर पे, जैसे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका साइज़ है मिसाल के तौर पे 1 मीटर इसका साइज़। लेकिन जब आप इसको किसी लेंस के थ्रू देखते हो, ठीक है, तो आपको ये डबल दुगना दिखाई देता है, ठीक है, दुगना दिखाई देता है आपको ये। इसको मैंने डबल, इसको डबल ही समझ लें आप, ठीक है, 2 मीटर। लेकिन ये कैसे दिखाई देगा? ऑलवेज थ्रू द लेंस दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, और ये हो गया इमेज साइज। तो अगर हम इनका रेशो लें कि इमेज साइज़ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज़, तो ये कितना जाएगा? 2/1 का मतलब है, 2 इसका मतलब है कि इमेज दुगनी दिखाई दे रही है। तो इसी को बोलते हैं m=2 का मतलब है कि मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो दुगना साइज़ में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर मैग्नीफिकेशन 3 हो जाए तो इसका मतलब है वो 3 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको ही कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई द लेंस टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस। थोड़ा डिटेल हो गया, लेकिन डिटेल देनी पड़ी, क्यों कि जो साइज ऑफ इमेज है जो कि फॉर्म्ड बाई द लेंस होगा, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ रखा हुआ है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस है। तो इसके रेशो को बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। साइज ऑफ इमेज को HIB कह सकते हैं, या हाइट ऑफ इमेज, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इसको मैग्नीफिकेशन यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और ये मैग्नीफिकेशन जो है ये फिज़िकल प्रॉपर्टी की तरह होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की फिज़िकल हाइट या फिज़िकल साइज़ चाहिए होता है, इसी तरह इमेज का भी एक फ़िज़िकल साइज़ होता है। तो इसीलिए ये जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है ये थोड़ी फ़िज़िकल कहलाती है, जबकि एक और मैग्नीफिकेशन है जिसमें फ़िज़िकल तो हम उसको कह सकते हैं, या क्योंकि बेसिकली फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो फ़िज़िकल है, लेकिन इस तरह से फ़िज़िकल नहीं है कि हम उसमें ऑब्जेक्ट की हाइट से अंदाज़ा नहीं लगाते, बल्कि एक ख़ास किस्म के एंगल से अंदाज़ा लगाते हैं, तो इसीलिए उसको एंगुलर कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है। तो देखें, द रेशो ऑफ विजुअल एंगल, अगेन मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई साइज़ या डायमेंशन की बात नहीं होगी, यहाँ एक एंगल की बात होगी। द रेशो ऑफ विजुअल एंगल, ठीक है, सबटेंडेड बाय इमेज सीन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। एक वो एंगल जो जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक इमेज को देखते हैं, जब वो एंगल बनता है, यानी कि वो विजुअल एंगल होता है, ये विजुअल एंगल अभी हमने समझना है, ठीक है। द रेशो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज सीन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास टू द
विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। ये बड़ी डेफिनेशन हो गई है, बहुत कुछ आपको इसमें समझ नहीं आया, मुझे पता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा डिटेल मैंने लिखा है, जबकि मैंने इसकी शॉर्ट या समरी समराइज फॉर्म यहाँ लिखी है, इसको समझिए। इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। इस आसान लफ्ज़ों को समझें कि ये रेशो है एंगल्स का, दो एंगल्स का। एक एंगल वो जो इमेज का एंगल है, जो कि यानी कि कह रहे हैं ना एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, यानी एंगल बाय द इमेज और एंगल बाय द ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ें। ये देखें आप, मैग्नीफिकेशन जो है वो हमारी क्या है, बीटा अपॉन अल्फा। ये जो दो एंगल है ना, बीटा अपॉन अल्फा, ये जो बीटा है ये एंगल वो है जो इमेज बना रही है और अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है। लेकिन कहाँ कैसे बना रहे हैं भाई, ये तो बात ही समझ नहीं आ रही। तो इसको समझने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमने सिर्फ इतना देखा कि भाई ये कोई चीज़ होती है जिसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं, जिसमें दो चीज़ों का काम है, दो एंगल्स का काम है, एक वो एंगल जो इमेज बनाती है और एक वो एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाता है। बेटा ये एंगल होते क्या हैं, अब असल में ये बात आपको जाननी है, तो उन एंगल्स को ही कहते हैं विजुअल एंगल। जब आप इस बात को भी समझ जाते हैं तो आप ये डेफिनेशन भी आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ मैंने दो चीज़ों को अंडरलाइन किया, एक विजुअल एंगल को और एक को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। ठीक है, इसको समझें पहले क्या होता है। तो विजुअल एंगल, हम क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं इसलिए हमें विजुअल एंगल को समझना ज़रूरी है। डेट तो देखिए, विजुअल एंगल क्या होता है, विजुअल एंगल का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय एन आई एट सॉरी बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। जब आप अपनी आँख से किसी को देखते हैं, किसी को भी देखते हो, तो जब आप उसको देखते हैं तो आप जब उस पर नज़र डालते हैं तो आपकी आँख से उस ऑब्जेक्ट तक का जो एंगल बनता है उसको विजुअल एंगल कहते हैं। यानी देखें, मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई हाइट है, कोई साइज़ है, वो आपके सामने रखा हुआ है, जब आप उसको देखते हैं तो आपकी आँख का जो सेंटर होता है, यानी जो उसका जो ऑप्टिकल एक्सिस होता है, वहाँ से उस ऑब्जेक्ट के टॉप तक, उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वहाँ तक एक एंगल बनता है। वो एंगल इसलिए बनता है ताकि हमें वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट दिखाई दे। अब उसकी जो भी हाइट है वहाँ तक का हमारी आँख से उस ऑब्जेक्ट का एक एंगल बनता है। अब अगर मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो उसके हिसाब से बड़ा एंगल बनेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो एंगल छोटा बनेगा। इसका मतलब है जो चीज़ें हमें छोटी दिखाई देती हैं तो हमारी आँख से उस ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल है वो छोटा होता है, जो चीज़ें हमें बड़ी दिखाई देती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ एक और इमेज एक्स्ट्रा बना दूँ कि मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट बड़ा है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो भाई उसका जो एंगल होगा वो बड़ा एंगल होगा, है ना, वो बड़ा एंगल होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था। तो आँख से ऑब्जेक्ट तक का जो एंगल बनता है उसको देखने के लिए वो विजुअल एंगल होता है। अब अगर हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई दे रहा है तो विजुअल एंगल बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई दे रहा है तो विजुअल एंगल छोटा बन रहा है। अब जो चीज़ जितनी दूर होती है हमें पता है ना छोटी दिखाई देती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जो है ये कैप आपको छोटा दिखाई दे रहा है, जो भी जिस तरह से भी दिखाई दे रहा है, तो कोई सर्टेन एक एंगल बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसके करीब जाऊं तो आपको अब ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, पहले के मुकाबले में बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर आप एक चीज़ को करीब से देखते हैं या वो आपकी करीब आ जाती है तो आपको उसका साइज़ बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब है कि आपका जो विजुअल एंगल है वो बड़ा हो गया। इसी तरह इसको मैं और करीब ले आऊँ तो ये आपको और बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो यही वजह है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स के अपेरेंट साइज़ होते हैं, कि कोई चीज़ बड़ी दिखाई दे रही है, कोई चीज़ छोटी दिखाई दे रही है, दूर है तो छोटी दिखाई दे रही है, करीब है तो करीब आ रही है तो बड़ी दिखाई दे रही है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस विजुअल एंगल। ठीक है भाई, अच्छा जी, तो अब विजुअल एंगल क्या होता है हम समझ गए। ठीक है, इसी तरह से जब हम अपनी नेकेड आँख से बग़ैर ग्लासेस लगाए या बग़ैर लेंस को इस्तेमाल किए जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल हमारा अल्फा होता है, या उसको विजुअल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अब बेटा अब यहाँ समझ जाओ, यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो दो तरह के एंगल का रेशियो है। एक एंगल वो है जो आप अपनी नेकेड आँख से किसी को देखते हो बग़ैर किसी ग्लासेस या मैग्नीफाइंग ग्लास के, दूसरा एंगल वो है जब आप किसी ग्लास किसी लेंस का इस्तेमाल करते हो। तो देखो, ये जो बीटा अपॉन अल्फा है ये वही दो एंगल हैं कि बीटा इज़ फॉर
ग्लास और अल्फा इज़ फॉर नेकेड आई, यानी बगैर किसी गिलास या लेंस के जब आप अपनी खुली आँख से देखते हो तो वो जो एंगल है वो अल्फा है, और जब किसी की मदद से देखते हो इसको एडेड आई भी कह सकते हैं कि मदद, तो वो एंगल बीटा बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या सीन है यहाँ पे कि ये चीज़ हमने समझ ली, एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी वही बात है कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि ये रहा, एक ऑब्जेक्ट का साइज़ कुछ है और इमेज का साइज़ कुछ और है, तो बेटा जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारी आँख से एंगल कुछ और बन रहा है, और जब हम इसको देख रहे हैं तो एंगल कुछ और बन रहा है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ का साइज़ बड़ा देखते हैं तो उसका जो एंगल है वो विजुअल एंगल चेंज हो जाता है। तो अब जैसे आपको पता है इसका एंगल बड़ा होगा इसका एंगल छोटा होगा, तो दोनों का जो रेशो होगा उसी को बोलते हैं क्या, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और इसको अब आगे और समझते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, जब हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। अब यहाँ एक बात ज़रूरी आपको समझना है, वो ये है कि देखें, जब आप अपनी आँख से किसी चीज़ को देखते हैं और आपको वो क्लियर दिखाई देती है, मिसाल के तौर पे यही मैं देखूँ, देखें मैं इस कैमरे को करीब लेके जा रहा हूँ, आप जब मैं इसको करीब लेके जाऊँगा तो क्लियर दिखाई देगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ब्लर हो सकता है, ठीक है। देखें, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपकी आँख से करीब आने लगता है या आप उसको मज़ीद करीब से देखने लगते हैं तो वो ब्लर होने लग जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन आई है इसकी एक रेंज है, इसका एक नियर पॉइंट है, इसका एक क्या है, नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट हमारी आँख के नज़दीक जहाँ तक हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं। अगर आप उससे और करीब आ जाओगे तो फिर आपको वो ब्लर दिखाई देगा, जैसे कि आपको आँख से ये क्लियर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है डी, ये कहलाएगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर एक आम इंसानी आँख के लिए, ठीक है। अच्छा, नाउ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई, एक ऑब्जेक्ट का एक आँख से कम फासला टू हैव इट्स क्लियर इमेज, के हमें उसकी साफ तस्वीर दिखाई दे, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। अब एक और मज़े की बात देखें, अगर आप किसी चीज़ को मज़ीद करीब से देखना चाहते हैं तो वो नियर पॉइंट है आपका, उस नियर पॉइंट तक आपको वो क्लियर दिखाई देगा, उसके अंदर आ जाएगा तो ब्लर दिखाई देगा, ये तो हो गया नियर पॉइंट। इसी तरह एक होता है फार पॉइंट। ये फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट का मतलब है कि आप दूर तरीन क्या देख सकते हैं, तो रात के टाइम जरा आसमान पे देखें, आपको दूर से दूर तरीन सितारा भी चमकता हुआ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है, आपको चांद भी दिखाई देता है, आपको सितारे भी दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हमारा फार पॉइंट है ये होता है इन्फिनिटी। हम दूर तरीन इनफाइनाइट तक क्लियर देख सकते हैं, हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है या जो जिसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, कोई बीमारी नहीं होती उसमें, ये कह लें कोई डिफेक्ट नहीं होता, शॉर्ट साइटेडनेस लॉन्ग साइटेडनेस नहीं होती, तो हम आसानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्लियर इमेज देख सकते हैं। लेकिन नियर पॉइंट की बात करें तो भाई 25 सेंटीमीटर एक हद है। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। अब जो हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें जो एंगल अल्फा बनता है वो ऑब्जेक्ट का एंगल होता है आँख से, कि जब वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, आँख से उतने फासले पे रखा हुआ हो कि उसकी इमेज हमें क्लियर दिखाई दे रही हो, यानी कम से कम वो 25 सेंटीमीटर के फासले पे रखा हुआ हो, उसके पीछे भी हो तो भी वो दिखाई देगा, लेकिन अगर उससे आगे होगा तो वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और बीटा वो एंगल है कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी आँख से
इतना करीब ले आते हैं कि हमें वो ब्लर दिखाई देने लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कॉन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। देखें इस तरह से, और अब आपको कुछ हद तक ये क्लियर दिखाई देगा, कुछ हद तक, क्योंकि ये कैमरे का फोकस है तो इसकी भी एक लिमिट है। तो देखें, जब हम एक चीज़ को अपनी आँखों से इतना करीब ले आएँ कि वो ब्लर दिखाई देने लग जाए, तो उसको क्लियर देखने का तरीका होता है कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास या कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करें, जो कि आप अपने मोबाइल कैमरे से भी फोकस करके इसको देख सकते हैं कि करीब लाने के बाद भी अगर मैं इसको फोकस करूँ तो ये क्लियर कर सकता है, क्योंकि ये फिर अपने लेंस को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम 25 सेंटीमीटर से करीब ले आते हैं एक ऑब्जेक्ट को और हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, तो फिर उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो फिर हमें उसको उस इमेज को क्लियर दिखाता है। और याद रखें, वो जो इमेज हमें दिखाई देती है वो 25 सेंटीमीटर के फासले पे ही बन रही होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक सारी बातें हो गई हैं। ठीक है, हमने सारी चीज़ें इसके बारे में समझ ली हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है हमारी।